सोनभद्र के शक्तिनगर सोनांचल संघर्ष वाहिनी के बैनर तले सैकड़ों क्षेत्रीय बेरोजगारों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को शक्तिनगर बस स्टैंड से एनसीएल खड़िया की निजी कंपनी बीजीआर का कामकाज रोकने के लिए विशाल जुलूस निकाला। विशाल जुलूस जैसे ही शक्तिनगर बस स्टैंड से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि भारी पुलिस बल ने आंदोलनकारियों को शक्तिनगर बस स्टैंड चौराहे के पास रोक दिया। वहीं क्षेत्रीय बेरोजगार सोनांचल संघर्ष वाहिनी के संयोजक रोशन लाल यादव के नेतृत्व में चौराहे पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर अड़े रहे। वही लगभग डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंचे बीजीआर कंपनी के प्रतिनिधि रवि सिंह ने आंदोलनकारियों से बीच चौराहे पर आकर वार्ता की। वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि 16 जुलाई से क्षेत्रीय बेरोजगारों तथा विस्थापितों की पारदर्शी तरीके से सीधी भर्ती ली जाएगी। इस अगुवाई पर आंदोलन कर रहे लोगों ने आंदोलन को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।